इंडियन प्रीमियर लीग में अभी तक 8 टीमें खेल रही हैं, जो कि दुनिया भर में क्रिकेट फैंस को रोमांचित करने के लिए काफ़ी होती थी। लेकिन अगले सीजन से होने वाले आईपीएल में आपका रोमांच और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि अगले साल से आईपीएल के महामुकाबले में 2 नई टीमें मैदान में उतरने वाली हैं। और अगर कोरोना की बुरी नज़र नहीं लगी तो इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में इसके लिए मेगा ऑक्शन होने की उम्मीद है। फिलहाल इस बारे में बड़ी खबर ये है कि बीसीसीआई ने 2 नई टीमों के लिए टेंडर इनविटेशन खोल दिए हैं और कंपनियां 10 लाख रुपए जमा कराकर इस इनविटेशन को 5 अक्टूबर तक खरीद सकती हैं। ये बात बीसीसीआई के सूत्र ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताई, जिसमें उन्होंने आगे बताया कि पहले टीमों का बेस प्राइस 1700 करोड़ रुपए रखा जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ किया जाएगा। यानी टीमें खरीदने वाली कंपनी को कम से कम 2000 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके अलावा बोली आगे बढ़ने के साथ ही टीमों की कीमत भी बढ़ती जाएगी। फिलहाल बीसीसीआई को दोनों टीमों से कुल 5000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। सूत्र ने यह भी बताया कि टीमें खरीदने के योग्य होने के लिए कंपनी का सालाना टर्नओवर भी 3000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 या 3 कंपनियां भी एक साथ ग्रुप बनाकर टीमें खरीद सकेंगी। टूर्नामेंट में 10 टीमें होने से अगले सीजन से टोटल 74 मैच खेले जाएंगे, जिससे सभी को फायदा होगा। नई टीमों के होम ग्राउंड की बात करें तो इस रेस में अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और लखनऊ का इकाना स्टेडियम फ्रेंचाइजियों की पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि इन स्टेडियमों की क्षमता अधिक है।